बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के इकोना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलियुगी सन की बेटे ने ही धारदार हथियार से मारकर अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद हत्यारे बेटे को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतक महिला की पहचान राधिका देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इकोना गांव में हत्यारोपी पहले से ही मानसिक विक्षिप्त था, जिसको लेकर परिवार के लोग परेशान रहते थे। देर रात सनकी बेटे मृत्युंजय गौड़ ने घर में रखे गड़ासे से अपनी मां पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। एक आप शव लेकर यहां पर आए हैं, कैसा शव है, क्या सूचना मिला था आपको? ये सूचना मिला था ना कि इकोना गांव में कोई लड़का अपनी माँ को ही मार दिया है। जब हम लोग वहाँ पर गए तो ग्रामीण लोग बताया कि उसका दिमाग कुछ मेंटली खराब था और वो ग्रासी से माँ को मार दिया अपने। चेहरे पर चोट लगा है? चेहरे पर चोट लगा है। जी जी, बहुत ज़्यादा चोट लगा। कौन सा गांव का है? इकोना गांव का। किस थाने में आता है? सिमरी थाना में। क्या उसकी अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग हो गई है। क्या कार्रवाई चल रही है अभी? वो तो थाना पर ही बतलाएंगे, फिर आवेदन देंगे एफ आई आर करने के लिए, तो किया जाएगा। ये घटना कब की है? रात 10 बजे कर लगभग समय। जी, कब लाए हैं आप लोग पोस्टमार्टम? सुबह हम लोग 1:30-2 बजे के यहाँ पहुँच गए हैं। रात में? जी जी। अभी तो पोस्टमार्टम नहीं? जी अभी तो नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वो लोग बताया कि बोर्ड बैठा है तो कुछ देर में आएंगे डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका? चौकीदार भूदेव यादव, बड़का सिंहपुरा थाना सिमरी। वहीं मौके पर पहुंची सिमरी थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हत्या में उपयोग किए गए गड़ासे के साथ आरोपी बेटे मृत्युंजय गौड़ को बड़ी मशक्कत से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।